शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होंगी? वे कभी भी झरमुई झंगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू बातों में परचिंतन में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में अपना समय लगाते रहेंगे। सवेरे सवेरे उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से ही तो आत्मा उड़ती रहेंगी। वह बाप समान रहम दिल बनकर अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगी। रूहानी कमाई में ध्यान होने वालों की बाबा निशानियां बता रहे हैं। वे बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देते रहेंगे। आज का गीत है, तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो मात पिता दादा ये सब होते हैं। दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो ये अपना बाप, ये बाप तो सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, परंतु तुम बच्चों को तो पता है। उसके लिए गाया हुआ है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। फिर सारे गीत में बंधु सखा तुम्ही हो। तो ये दादे के लिए शब्द है। बाबा ने शिव बाबा को दादा ग्रैंडफादर कहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा हमारा बाप है। दुनिया वालों को तो ये पता ही नहीं है, परंतु तुम बच्चों को पता है। तो ये शब्द तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो दादा के लिए, ग्रैंडफादर के लिए है। उनका परिचय देना पड़े, चाहे सन्मुख हो, चाहे चित्रों के द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर के द्वारा। तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा तो साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? हमारी बुद्धि में पहले याद किसकी आई? दादा की, शिव बाबा की याद आएंगी ना। भल, बाबा कहते भल प्रोजेक्टर के द्वारा समझाओ, वो भी फिर तुम्हें नंबर वार चित्र दिखाना है। पहले पहले चित्र परमपिता परमात्मा का दिखा करके उसकी अच्छी रीत से समझानी देनी है, उसकी समझानी देनी है।
कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है ये लिखत जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं व मैगजीन भी बनाते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गीता में तो लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो पहले भगवान का पूरा परिचय देना चाहिए। अब तुम सब की बुद्धि पहले पहले ऊपर चली जाए। सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर यहाँ आओ साकार सृष्टि पर। तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे हुए हैं, वो है हद का और ये है बेहद का। तो चित्र सहित सारी लिखत अच्छी रीत से होनी चाहिए। अंतर भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य तो हठ योग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा ही आकर के ये सहज राज योग सिखाते हैं, जिससे ही वास्तव में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान वच। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों के बुद्धि में सदा याद रहते ही हैं, हू बहू बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के बुद्धि में भी ऐसे ही रहना है। ये सिर्फ वो लौकिक है और ये परलौकिक है। तुमको ये निश्चय तो है कि ये है शिव बाबा, हमारा बाप है, उनको तो याद करना ही चाहिए। परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, परंतु विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, आत्मा में खाद पड़ गई है। तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है, परमात्मा के चित्र और कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले भी बड़े अच्छे मशहूर हैं, नरक के गोले पर भी लिख देना चाहिए कि ये है रावण का राज, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया। टाइम भी लिखना चाहिए कि इतना समय स्वर्ग और इतना समय नरक चलता है। देखो चढ़ती कला और उतरती कला का भी चित्र है। कौन सा है चढ़ती कला उतरती कला का चित्र है? कौन सा है? अपना सीरी का। चढ़ती कला और उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5,000 वर्ष लगते हैं और चढ़ती कला का 1 सेकंड, तो जंप हो गया ना। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप बाबा, एक एक नंबर वार चित्र बताते हैं। फिर है विराट रूप जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरी संप्रदाय है, ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल बड़ा मशहूर है, सर्वोत्तम कुल है।
तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो अभी तो है ये सारा वैरायटी धर्मों का झार, वो भी अच्छा है झार और गोला। बाबा कहते हैं ये झार वैरायटी धर्मों का है, सभी धर्मों की इसमें दिखाया हुआ है, ये भी अच्छा है, पर पहले पहले तुमको ये समझाना है बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी तो बनना ही है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। इसमें ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन पार्ट कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा बड़ा होना चाहिए, बहुत में बहुत 1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, कोई स्टोरी तो नहीं है जो कहानी करके सुनाओ, परंतु ये तो है सारी ज्ञान की बात, जब पहले लिखे तब अंदर में आ सके, मना उनसे समझा करके फिर लिखाओ। दिखाने के लिए टिकट रखनी चाहिए, शुरू शुरू में निकले है ना, तो बाबा शुरू में कैसे कैसे तुम बच्चे सेवा करो, देखो बाबा कैसे हम बच्चों को तैयार किया है। दिखाने के लिए टिकट भी रखनी चाहिए, पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से पहले ओपिनियन लिखाना है, अगर झुंड के झुंड आ जाएंगे तो फिर उन्हों से कैसे लिखाएंगे, और दिखाएंगे भी कैसे, अच्छी रीत कैसे, उन्हों जो बड़े बड़े आएंगे उन्हों को तुम कैसे समझा सकेंगे, क्योंकि अच्छी रीत से समझाना है जो उन्हों को बुद्धि में बैठे। इसलिए पहले पहले सिर्फ बड़े आदमियों को बुला करके समझा करके उन्हों से लिखाना चाहिए, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी, इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो, फिर किसको बल प्रेजेंट भी दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह से लिखना चाहिए, हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं ना शरीर को, परंतु तुम्हारा तो ये है अहंसक योग, जो अति सहज है, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, तो वो तो है, ये तो है हिंसक को अहंस, ये हिंसक को भी सिद्ध करना है, अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कहीं तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रियाएं करते हैं, वो कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते हैं, उनको भी वे लोग तो योग कह देते हैं, योग आश्रम भी है, ये तो है फिर ये तुम्हारा है सहज राज योग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग, तो ये बहुत अच्छी रीत से तुम बच्चों को समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई जंगमुई में होगा, वो क्या समझा सकेंगे, जिनके बुद्धि में होगा कि हमें सर्विस करनी है, वे ही फिर ध्यान दे करके समझेंगे, और फिर उनको अच्छी रीत बैठ करके समझाएंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए,
वो है जिस्मानी कमाई और ये है रूहानी कमाई। इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। ये तो अभी सब समझ गए हैं ना और कर भी रहे हैं, फिर भी बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि नए नए भी आते हैं और बीच बीच में कभी माया भी अपना रंग चढ़ा देती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से उनको समझाना चाहिए, ये है रूहानी कमाई, इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह को उठ करके बाप को बड़े प्यार से याद करना है। कई भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही तो उड़ेंगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेंगी। ध्यान में भी याद से ही तो जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो बाबा कहते हैं एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। ये तो अपना सारा ब्राह्मण परिवार बैठा है ना, नए नए है क्या इसमें? जो भी नए नए आए होंगे वो भी तो सेंटर्स के कनेक्शन से कुछ कुछ समझ के ही आए होंगे। बाबा कहते हैं ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक साधारण सी बात है, कईयों को तो फर्ज से कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। शुरू में तो ऐसा ही होता था ना, आते थे बस बैठे सभा में, थोड़ा सुना या गीत भी बजता रहेगा तो भी ध्यान पे चले जाएंगे। तो फर्ज से कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है, बाबा हमने आपको पहचाना है, ध्यान में ब्रह्मा को भी देखते हैं और उनको प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय भी हो जाता है, जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है ऐसे का भी पत्र आते रहते हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम बाबा हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम कितना याद करते हैं। जब कहते हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है। तो देखो बांदेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उतना जितना बांदेली बच्चियां याद करती हैं बाबा कहते हैं सामने बैठने वाले या रहने वाले भी इतना याद नहीं करते हैं, परंतु उनों के ऊपर सुतम होता है तो पल पल पे उनों को याद आती है। तो बाबा कहते यहाँ मुख्य बात है ही याद की। फिर गांधी जी कहते थे, फिर सेवा की बात, गांधी जी कहते थे राम राज हो, अभी तो है रावण का राज, इस पर भी तुम अच्छी रीत समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही आकर के करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं, देवताएं भी गिरते जाते हैं। भल सुख में ही है, परंतु जैसे समय आगे बीतता जाता है कला तो कम होती जाती है ना, जू के तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी तो जू के मिसल ही चलता रहता है। चढ़ती कला एक के द्वारा ही होती है, बाकी तो ड्रामा जो बना हुआ है ऑटोमेटिक चलता ही रहता है।
समझाने के लिए ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। सेंटर भी आगे चल के बहुत बढ़ते जाएंगे।